हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू एवरी वन प्रेजेंट ऑन दैट साइड आई विन ए अगेन वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ द लाइव फिजिक्स वी के चैनल सो आई होप आप लोग फिट फाइन तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनी फैमिली वालों का अपने घर पर ध्यान रख रहे होंगे सो स्टूडेंट्स टुडे आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू टू टेक एज़ फॉर आर सीरीज दैट मीन्स आफ्टर रिविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने अपने कुछ सी बी एस ई असाइनमेंट को डन कर लिया आपके डाउट्स कॉर्नर भी कम्प्लीट कर लिए सो आफ्टर डीलिंग विद द पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री नाउ आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू टू टेक विद द आई आई टी मेन्स लेवल एंड पर्टिकुलरली इस बार जो क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के लिए पिक किया है मीन द न्यूमेरिकल जो मैंने आप लोगों के लिए पिक किए हैं आज के लेक्चर में ऑल द न्यूमारिकल्स आर फ्रॉम द 2019 थाउजेंड नाइनटीन मेन्स मीन्स जस्ट दो साल पहले जब 2019 में जब ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ था मोस्ट प्रोबेबली एट दैट टाइम व्हाट आर द वैराइटीज़ ऑफ द न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से पूछी गई थी तो आज का हमारा पूरा वीडियो 2019 थाउजेंड नाइनटीन मेन्स के न्यूमेरिकल के ऊपर होगा एंड होपफुली मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखा पाऊंगा एंड पर्टिकुलरली आई एम pretty मच कॉन्फिडेंट दैट कि जितना हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया है या जितना भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया है तो वो आप लोगों को इस असाइनमेंट को आराम से समझने में हेल्प करेगा ओके okay? सो so, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर विद your फ्रेंड्स that everyone ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके सो so, चलिए अपनी असाइनमेंट पे काम करना शुरू कर दें सो so, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दिस आज का जो असाइनमेंट है वो जेई मेंस पर्टिकुलरली 2019 पार्ट वन यानी आज के न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल नाइन टेन इलेवन न्यूमेरिकल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ये सारे के सारे 2019 के हैं सो चलिए असाइनमेंट को करना शुरू करते हैं सो हेयर वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जेई मेन टू और एक बार इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सब स्टूडेंट्स एक बार ध्यान देंगे ओके okay? तो चलिए मैं नीचे वाले डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ तो वो मैंने एडिशनल में रखा हुआ था क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है द क्वेश्चन से इज वैन द स्विच एस इज इन द सर्किट शोन इज द क्लोज जब हमारे पास एक सर्किट है जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस सर्किट में स्विच एस इज क्लोज है ये रहा बॉटम में ओके तो दैट्स व मैंने डायग्राम को एक्स्ट्रा में रखा हुआ था तो मैं डायग्राम को प्लीज़ आपके सामने यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ ताकि हम लोग इसे इलेबरेट करके देख पाए ओके सो क्वेश्चन दैट द सेम डायग्राम है कोई डिफरेंट नहीं है ही सेज वेन द स्विच एस इज क्लोज देन द वैल्यू ऑफ आई करंट वुड बी यानी वो आई करंट का वैल्यू क्या होने वाला है वो हमसे पूछा गया है तो अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते तो तो चलिए हम लोग इस स्विच को क्लोज कर देते मीन्स स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और स्विच को कनेक्ट करने के बाद उस आई वैल्यू ऑफ इस करंट की वैल्यू क्या होने वाली है तो चलिए एनालाइज और स्टडी करना शुरू करते हैं सो so, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में वन एंड इज़ द पॉइंट ए अनदर एंड इज़ अ पॉइंट बी एंड देर इज़ वन मोर पॉइंट पॉइंट सी बट एक खासियत यहाँ पे यह है कि पॉइंट ए का और पॉइंट बी का पोटेंशियल हमें प्रोवाइडेड है सो पॉइंट ए इज़ एट ट्वेंटी वोल्ट और बी हमारे पास कितने पे है टेन वोल्ट पे सी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और एट द बॉटम वी इज इक्वल टू जीरो ये यहाँ पे पोटेंशियल जीरो गिवन है यानी जब स्विच एस क्लोज हो जाएगा तो आप इस पॉइंट को ऐसी मान के चल लेते हैं चलो इस पॉइंट को ऐसी मान लेते हैं यानी एस पर हमारा पोटेंशियल जीरो है और जैसा कि आप इस बॉटम वाले सिंबल को देख रहे हैं तो इस सिंबल को अगर मैं एक बार वापस से रीड्रॉ करूँ दिस सिंबल इज़ इन दिस मैनर और ये क्या रिप्रजेंट करता है दिस सिंबल रिप्रेजेंट दी अर्थिंग तो अगर यहाँ पे वी इज इक्वल टू जीरो नहीं मैंशन होता केवल यहाँ पे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती तो बाई डिफॉल्ट आपको इसे समझ जाना चाहिए कि यह हमारे पास अर्थिंग के बारे में बात कर रहा है तो चलिए काम करना शुरू करते हैं तो सी पॉइंट का कोई पोटेंशियल हमें गिवन नहीं है सो आई एम गोइंग टू टेक द पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट एज अ वी सी मैंने ले लिया तो चलिए आप एवरी वन ध्यान देंगे जहां पर मैं आपको ध्यान देने के लिए बात करूँगा सो फॉर ब्रांच ए सी ए सी ब्रांच के ऊपर सब ध्यान देंगे ए टू सी केवल इस पर ध्यान दीजिए ए टू सी वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ए पर कितना है ट्वेंटी और सी पर हमने कितना लिया वी सी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ ट्वेंटी माइनस वी सी तो ये हमारा वोल्टेज हो गया तो हम ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट थ्रू द सर्किट एंड मल्टीप्लाई विद द रजिस्टेंस सो ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस ट्वेंटी माइनस बी सी ए और सी के बीच में रजिस्टेंस कितना है आप क्लियरली देख पा रहे हैं टू ओम एंड वॉट इज द करंट बिटवीन ए एंड सी इट इज आई वन जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम तो टू मल्टीप्लाई विद द आई वन एम आई क्लियर विद द इक्वेशन वन इक्वेशन वन क्लियर हुआ बेटा सबको ऐसे ही हम लोग अपने रेस्ट ऑफ ब्रांचेस को स्टडी करने वाले हैं तो अब मैं थोड़ा सा क्विक करूँगा नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी माई नेक्स्ट ब्रांच बी सी मैं बी सी ब्रांच पर काम करूंगा तो मेरा करंट बी से सी जा रहा है तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल सी से ज़्यादा होगा इस बात को समझना है वेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू सी इट मीन्स करंट और द पॉइंट और द टर्मिनल बी हैज़ अ हायर पोटेंशियल एज़ कंपेरिजन टू सी तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वी बी माइनस वी सी क्या होगा वी बी माइनस वी सी तो बी की तो वैल्यू मुझे मालूम है तो टेन माइनस वी सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है बी सी में फोर ओम एंड वॉट इज द करेंट आई टू तो हमें यहाँ से I2 की भी वैल्यू यानी I2 के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिल गया तो ac ब्रांच हो गया bc ब्रांच हो गया एक थर्ड वर्टिकल ब्रांच आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा C2S। क्यों हुआ क्योंकि हमने स्विच को क्लोज कर दिया है यानी सी और एस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है तो अब जल्दी से सी एस ब्रांच को स्टडी करते हैं तो सी एस में करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है सी टू एस जा रहा है आप इसका एरो देख सकते हो आप आई का डायरेक्शन देख सकते हो इसका मतलब करंट सी से एस जा रहा है इसका मतलब सी का पोटेंशियल ज़्यादा है दैट्स वाई इट शुड बी वी सी माइनस वी एस हाँ वी तो हमें नहीं मालूम बट वी के बारे में हमें मालूम है वो जीरो है क्योंकि वहां पे अर्थिंग हो चुकी है तो मैं वी को एलिमिनेट कर देता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस वी सी करंट क्या है आई और हमारे पास रजिस्टेंस कितना है टू ओम दिस इज माई थर्ड इक्वेशन सो हे आई थिंक एम आई क्लियर विद ऑल द थ्री इक्वेश्स मैं तीनों इक्वेशन से आपके सामने बिल्कुल क्लियर हूँ द फर्स्ट ब्रांच ए सी जो हमारे पास है सेकेंड ब्रांच भी हमारे पास है बी uh, सी और थर्ड ब्रांच सी एस अब आपको यहाँ पे अपने किर्च के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज़ करना है मीन्स यू हैव टू अप्लाई जंक्शन रूल जंक्शन रूल मीन्स टोटल इनकमिंग करंट एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट तो चलिए सारे के सारे सी जंक्शन पे जाएंगे कहाँ जाएंगे बेटा लेट्स कम टू द जंक्शन नंबर सी पे आ जाते भाई तो एट सी अब देखो सी पॉइंट पे इनकमिंग कौन है आई वन इज इनकमिंग आई टू इज इनकमिंग सी पर दोनों आ रहे हैं एंड हु इज हुआ ओनली द आई इज आउट गोइंग टू द जंक्शन रूल द इनकमिंग करंट आई वन प्लस आई टू ओके शुड बी इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए आउट गोइंग करंट विच इज आई यानी आई वन प्लस आई टू शुड गिव द वैल्यू ऑफ आई दोनों मिक्स होके आई को बना रहे तो चलिए आई वन आई टू की वैल्यू हमारे पास है भाई आई वन की वैल्यू हम लोग इक्वेशन वन से यूज करेंगे इट वुड बी 20 माइनस वी सी डिवाइडेड बाई टू आई टू की वैल्यू हम इक्वेशन टू से यूज करेंगे इट वुड बी 10 माइनस वी सी डिवाइडेड बाई फोर शुड बी इक्वल टू आई और आई का वैल्यू हम इक्वेशन थ्री से यूज करेंगे विच इज़ वी सी बाई टू सो दिस इज़ आर इक्वेशन जो अब हम लोगों को जस्ट ओनली सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करते हैं एंड टू सॉल्व दैट चलिए यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कंजेस्ट uh, पार्ट है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग अपने किसको जो हमारा लास्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है लेट्स टेक दैट इसे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ के जाते तो ये कहेगा यार मुझे बनाया आपने मेहनत भी की और मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए तो इसको पिक करके लेके चलते हैं सो दिस इज बीन आर वॉट दिस इज आर इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी प्रिपेयर किया है तो चलिए अब इसे सॉल्व करना शुरू कर दें तो काम करना शुरू कर देते जल्दी से सो वॉट वुड बी द एलसीएम द एलसीएम वुड बी फोर सो टू टूज अ फोर इट वुड बी फोर्टी नेगेटिव टू वी सी प्लस एल सी एम है एज इट इज टेन माइनस वी सी इज इक्वल टू वी सी बाई टू सो टू कैंसिल विद इट वुड बी टू एंड क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए साथ के साथ सो फोर्टी प्लस टेनटिव टू वी सी नेगेटिव वी सी इट वुड बी थ्री वी सी इज इक्वल टू टू वी सी जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई से आया सो फिफ्टी इज इक्वल टू यहां से ये हमारा वी सी इधर जाएगा तो इट वुड बी फाइव वी सी और वी सी इज इक्वल टू हाउ मच टेन वोल्ट तो यहाँ से हमें वी सी की वैल्यू मिल गई वी गॉट द पोटेंशियल एट सी पॉइंट तो चलिए एक बार वापस से बैक चलते हैं तो हमें वी सी की वैल्यू मिल गई है एंड वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ वी सी तो आई थिंक अब हमें आई की करंट इक्वेशन थ्री से आ सकती है और ये रहा हमारा इक्वेशन थ्री दैट वी सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आई तो अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ तो आई इज इक्वल टू वी सी डिवाइडेड बाई टू तो हमारे पास वी सी कितना आया टेन डिवाइडेड बाई टू सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच व्हेन द स्विच एस इज क्लोज इट शुड बी फाइव एम्पियर विच इज बीन अप्रोप्रिएटली गिवन इन विच ऑप्शन वी आर हैविंग द ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग ओके okay.

तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन तो अपने कलर कोड को एक बार लिख लेते हैं तो हमारे पास जल्दी से कलर कोड बी बी रॉय याद है एक पैटर्न सिखाया था सो बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ दिस इज दैट स्टेटमेंट जो मैंने आपको लेक्चर में दिया था तो हमारे पास पैटर्न है ही हमारे पास ब्लैक यू ऑल नो दैट देन इट वुड बी ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, यू नो दैट जल्दी से करते हैं इट वुड बी ग्रीन देन दट वुड बी ब्लू वॉयलेट ग्रे एंड वाइट ओके सो दीज आर द टेन कलर्स जो हमारे पास uh, सो ड्यूरिंग द कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है जिन सेवन सॉरी टेन कलर्स का जह, जहाँ पे हमें नीड पड़ेगा सो हमारे पास कलर कुछ इस ऑर्डर में और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कलर हमारे पास इसी ऑर्डर में है तो इन कलर की जो नंबरिंग है हमारी जो कोडिंग है दैट कोडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो बस ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट मीन जो स्टूडेंट अब एटी नाइन्टी परसेंटाइल से भी ऊपर जाता है वो भी एक सिली मिस्टेक कर जाता है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि दैट काउंटिंग कोडिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो मैंने ये एक बार आपको पूछ के यहाँ पे करवाया है क्योंकि ये अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो हर छोटी से छोटी चीज़ को बिल्कुल संभल के काम करना है उसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है ओके तो ये आपको समझ के काम करना पड़ेगा यहाँ पे ओके okay, तो ये तो हमारे कलर थे इसके अलावा हमारे पास जो टॉलरेंस वाले कलर आते हैं जैसे कि हमारा गोल्ड एंड सिल्वर ओके okay? सो so, गोल्ड गिव्स फाइव परसेंट टॉलरेंस प्लस माइनस में और सिल्वर गिव्स टेन परसेंट टॉलरेंस इन द प्लस माइनस ठीक है तो आप जल्दी से इसे खत्म कर देते हैं अब ये सबसे आसान वाला निमारिकल है तो आप जैसे आपके पास फोर कलर ट्राइव आपको कार्बन रजिस्टर पर दिखाई दे रहे हैं ओके okay, हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की ऐसी प्रैक्टिस की थी मैंने कुछ असाइनमेंट में जो पिक्स भेजे थे उन पिक्स के अंदर एक्चुअल रजिस्टर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि हमारा एक्चुअल रजिस्टर दिखता कैसा है तो आप जल्दी से यहाँ पे करते हैं तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्टेंस ऑफ द कलर कोड हैज अ फॉर्मूला और यू कैन से द एक्सप्रेशन ए बी इंटू टेन पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट होता है हमारा होता है भाई तो भाई इस पे साथ करना शुरू कर देते हैं अब ये हमें दिख गया कि जो हमारा टॉलरेंस वाला कलर है वो सबसे लास्ट में आता है और हमारे पास टॉलरेंस के दो ही कलर हैं गोल्ड एंड सिल्वर यही हमारे पास टॉलरेंस के कलर हैं तो इसका मतलब जहाँ पे सिल्वर या गोल्ड दिखाई दे रहा है इसका मतलब समझ जाना वो हमारा डी वाला कलर है तो इसका मतलब उसके अपोजिट हमारा ए वाला कलर है ये तो पहला वाला बात हुआ सेकेंड पॉइंट आपको वेरी प्रिसाइजली और बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है और अगर आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें द रेड स्ट्रिप वॉयलेट स्ट्रिप एंड ऑरेंज स्ट्रिप इन फर्स्ट थ्री स्ट्रिप्स के बीच का गैप देखिए ये जो गैप मैं आपको शेड कर रहा हूँ ये गैप आप देखिए ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है इसके बाद प्लीज एवरी सब ध्यान देखे इस सेकेंड वाले गैप को देखेंगे द गैप बिटवीन द ऑरेंज एंड सिल्वर So, आप लोग ये बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ऑरेंज और सिल्वर वाली स्ट्रीफ के बीच में गैप थोड़ा सा ज्यादा है तो ये भी आप लोग दूसरा तरीका आपको हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में भी याद रखना है दैट जिस स्ट्राइव में गैप थोड़ा ज्यादा होगा जो स्ट्राइव बिल्कुल हटके होगी वो हमारा डी वाला पार्ट हो गया ठीक है तो अब जल्दी से चलते हैं तो हमारे पास पहले कौन है रेड है देन वी हैव वॉयलेट देन वी हैव ऑरेंज एंड देन वी हैव सिल्वर तो आप जल्दी से कोड बना लीजिए पहले रेड है तो रेड के लिए कोड आपको दिखाई दे रहा है इट इज़ बीन टू ओके सेकेंड इज बीन वॉयलेट तो वॉइलेट के लिए हमारे पास कोड है सेवन सो इट वुड बी टू इन टू सॉरी टू सेवन ट्वेंटी सेवन टेन पावर सी थर्ड कलर हमारे लिए ऑरेंज है ऑरेंज मीन्स पावर कहाँ पे चला गया थ्री में प्लस माइनस सिल्वर सिल्वर के लिए हमारे पास टॉलरेंस फाइव परसेंट है तो हमारे पास कितना हो गया ये 27 सेवन इंटू टेन पावर थ्री अब अगर आप अपने ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो हमारे ऑप्शंस में पावर वाला सिस्टम नहीं गिवन है इसका मतलब वो पावर में ना बात करते हुए आपके सामने जो बात करना चाहता है जिस यूनिट के बारे में बात करना चाहता है वो यूनिट आपकी किस में क्लोज में है तो ये हमारे पास हो गया ट्वेंटी सेवन हो गया तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है तो ये तो 27 सेवन इंटू की पावर थ्री है तो इट वुड बी 27 सेवन किलो ओम और हमारा टॉलरेंस कितना ओके okay, चलिए तो अगर आप लोगों ने इस चीज को पहले ही नोटिफाई कर लिया है मैंने आपके साथ पहले भी बात की थी कि अगर हम अपने कंपटीशन या सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने आप को बिल्कुल माइंडली ओपन रखना है आपको अपने आप को प्रिसाइजली रखना है एक्टिव रहना है मैंने यहाँ पे एक गलती कर ली है तो अगर आप उस गलती को अब तक ढूंढ लिया है आपने वो मिस्टेक पकड़ ली है तो बहुत अच्छी बात है बट अब अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने उस मिस्टेक को नहीं फाइंड आउट किया है अगर अभी भी नहीं किया है तो अभी भी वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उस मिस्टेक को देखिए कि क्या गलती कर दी मैंने यहाँ पे ओके एंड द मिस्टेक और जो पॉइंट मैं यहाँ पे कर गया था कई बार ये फ्लुएंसी में मैं जान पूछ के करता हूं तो वीडियोज में एक आध बार मैं हमेशा हर वीडियो में कोशिश करता हूं तो दैट पॉइंट जो हम मैंने यहाँ पे एरर किया है प्लीज उस एरर को देखेंगे एरर क्या मैंने कलर कोडिंग में गड़बड़ कर दिए यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में बेटा प्लीज इस बात को याद रखेंगे गोल्ड इज टेन परसेंट और हमारा जो सिल्वर है वो हमारे पास कितने परसेंट पे जाने वाला है वही ध्यान से देखो इसे हमारा जो गोल्ड है वो हमारे टेन परसेंट पे जाएगा और जो हमारा सिल्वर है दैट सिल्वर इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ फाइव परसेंट ये आपको ध्यान से रखना है और इस चीज़ को समझ के रखना अरे सही है कि नहीं है कंफ्यूजन में डाल दिया मैंने अच्छा जी चलो चलो पॉइंट समझ पाए पॉइंट ये है एक्चुअल में ये वाला सारा पार्ट सही था ओके okay, इस वाले पॉइंट के साथ जाने का एक ही मोटो था तो वही वाली बात है एक्टिव है कई बार ये एक्टिव के काम पे रहते रहते मैं इस चीज को पिक कर जाता हूँ मैं इस चीज पे आपके साथ गेम खेल जाता हूँ वो आपको थोड़ा सा देखना है मैंने यहाँ पे एरर नहीं किया है मैंने यहाँ पे एरर कर दिया है ओके okay? तो ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल एज इट इज है उसमें कोई इश्यू नहीं है हमारा गोल्ड कितना परसेंट है हमारा गोल्ड हमारे पास फाइव परसेंट है और सिल्वर हमारा टेन परसेंट है बस मैंने यहाँ पे एरर कर दिया मैंने यहाँ पे लिखते टाइम इसे फाइव परसेंट लिख दिया है तो ये मेरा टेन परसेंट पे चला जाएगा ओके okay? तो टेन परसेंट पे क्या है हमारे पास ट्वेंटी सेवन किलो ओम और टेन परसेंट विच ऑप्शन द ऑप्शन नंबर डी इज़ बीन द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो हमारे पास इस समय अवेलेबल है गॉट दैट पॉइंट तो प्लीज़ एरर पे हमेशा याद रखना और प्लीज़ हमेशा अपने इंसेक्ट्स पे भरोसा रखिए अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप चीज़ें कहाँ पे कर रहे हैं ये कभी कभार हो जाता है तो थोड़ा मैंने कोशिश की थी आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की आई होप मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर गया हूँ बिल्कुल ओके तो मैंने यहाँ पे सिल्वर में एक बार गलती से फाइव लिख दिया था तो ये चीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे डन है सो आफ्टर सेकेंड ना वी आर प्रोसीडिंग टू आर थर्ड वन तो अब मैं थर्ड वन पे आ गया तो थर्ड वन वाले क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे ही सेज दैट अ टू हंड्रेड ओम रजिस्टर सर्टेन कलर कोड तो हमारे पास जो रजिस्टर है वो 200 हंड्रेड ओम का है तो आर इज टू अब इसका कुछ कलर कोड है अगर आप मुझे बनाने में या समझने में हेल्प करेंगे तो प्लीज इसका कलर कोड तो हमारे पास जो कलर कोड का पैटर्न है दैट पैटर्न इज ए बी इंटू टेन पावर सी यानी फर्स्ट में दो ही डिजिट होने चाहिए और तीसरा डिजिट पावर में जाना चाहिए और हमारे पास कितने डिजिट हैं हमारे पास थ्री डिजिट हैं तो इसे टू डिजिट तक रखना है तो टू डिजिट मीन्स ट्वेंटी ओके इनटू टू हंड्रेड को अगर लिखना है तो ट्वेंटी इनटू कितना भाई टेन की पावर कितनी जानी चाहिए आप लोगों की यानी ट्वेंटी इंटू टेन टू हंड्रेड और टेन को पावर में कितना लिख सकते हो वन तो आई थिंक टू हंड्रेड कैन बी रिटर्न एज ट्वेंटी इंटू टेन पावर वन तो जब भी आपके पास पैटर्न कुछ इस फॉर्म में आए तो प्लीज हमेशा उसे हमारे जो हमारा एक्चुअल पैटर्न है ए बी इंटू टेन पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट सिंस यहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है कि भाई इतना परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है तो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे तो जैसा है हम लोग वैसे ही रखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया अब अगर इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास कलर कोड क्या है वो देखेंगे तो ए पर क्या दिख रहा है टू तो ये तो हो गया बेटा हमारा रेड बी पर हमें जीरो दिख रहा है और जीरो को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एक बार बैक चलते हैं जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक ओके okay? तो हु इज रिप्रेजेंटिंग द जीरो? ब्लैक प्लीज ओके एंड वन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था ब्राउन ओके okay? एक बार वापस से क्रॉस चेक करने के लिए आप पीछे जाके देख सकते हैं ओके सो नाउ द पॉइंट इज दैट ये हमारे पास कलर कोड था सो नाउ द क्वेश्चन सेज दू हंड्रेड ओम रजिस्टर सर्टेन कलर कोड तो हमने वो उस कलर कोड को भाई डी कोड कर लिया और पता लगा लिया कि स्ट्रिप्स होंगी रेड ब्लैक एंड ब्राउन नाउ ही सेज इफ वन रिप्लेस द रेड कलर बाय द ग्रीन अगर मान लीजिए आप में से कोई आता है और किसी भी तरीके से हम रेड कलर को रिप्लेस कर देते हैं बाय ग्रीन तो भाई इस रेड को तो हटा दो और इस रेड की जगह पे हम लोग ले आएंगे ग्रीन तो भाई ग्रीन कलर ले आते हैं ठीक है तो मैं इन्हीं दोनों पे कर रहा हूं ओके तो अगर ग्रीन कलर आ गया तो हमारे पास अब पैटर्न क्या बन गया ग्रीन ब्लैक एंड ब्राउन तो इसका मतलब ब्राउन और ब्लैक तो एज इट इज रहेंगे यानी टेन पावर वन और बी की वैल्यू सेम रहेगी जस्ट केवल ए चेंज हो गया और ग्रीन का कोड कितना होता है भाई याद करो ग्रीन कोड इज फाइव एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप पीछे जा सकते हैं देखिए ग्रीन हैज कोड नंबर फाइव है तो ग्रीन का अगर कोड फाइव है तो हमारे पास यहाँ पे कितना जाने वाला है फाइव सो आर न्यू रेजिस्टेंस वुड बी फिफ्टी इन टेन की पावर वन विच इज हाउ मच फाइव हंड्रेड ओम विच इज बिन द ऑप्शन नंबर सी यानी इसी सवाल को कलर कोड को दूसरे तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा के पूछ लिया बट है तो ये आसान डन है चलिए है वी हैव अ क्वेश्चन नंबर फोर तो वैसे तो क्वेश्चन नंबर फोर बहुत आसान है तो इसे मैं लेना नहीं चाहता था बट फिर भी आपकी एक पुरानी नॉलेज या आपके पुराने जो भी हमने स्टडी किया उसको रिकॉल करना है सो द स्टूडेंट जिन्होंने प्लीज़ मेरे साथ या हम लोगों ने मिलके जब एन का प्रिपरेशन किया था तो उस समय मैंने आप लोगों को ये चीज़ स्टडी करवाई थी दैट इफ वॉल्यूम ऑफ वायर इज़ कॉन्स्टेंट अगर आपके पास एक वायर है और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट, आप वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे सो इफ लेंथ इज स्ट्रेच्ड अगर आपने उस वायर की लेंथ को स्ट्रेच किया कितना एन टाइम्स अगर हम उसे एन टाइम्स स्ट्रेच करते हैं देन आर न्यू रजिस्टेंस वुड बी एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ द ओल्ड रजिस्टेंस अगर n टाइम्स स्ट्रेच करते हैं बट सेकेंड पॉइंट इफ वी स्ट्रेच द लेंथ अगर हम उसकी लेंथ को स्ट्रेच करते हैं बट एन परसेंटेज परसेंटेज में करते हैं नॉट इन द टाइम्स टाइम्स मतलब उतना गुना में चला गया बट अगर हम उसकी लेंथ को एन परसेंट वन परसेंट बढ़ा दो टू परसेंट बढ़ा दो थ्री परसेंट बढ़ा दो इन दैट केस द न्यू रेजिस्टेंस वुड बी नियरली टू एन परसेंट नियरली वैसे एक्चुअल में नहीं जाता है नियरली ट होता है ओके okay? तो आपका न्यू रेजिस्टेंस टू एन परसेंटेज टाइम ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस अगर परसेंटेज में अगर आप ये देखना चाहते हो कहां से आया तो ये चीज यहीं से आ सकती है आपको उसके लिए क्लास इलेवेंथ के एरर कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा भाई आर डैश इजिकल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर है इसका तो प्रूफ है हमारे पास तो अगर हम अपनी इसका रिलेटिव एरर निकाले डेल्टा आर डैश बाय आर तो वैसे इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है बट अगर कोई नॉलेज वाइज अगर देखना चाहे तो कहाँ से आया है तो डेल्टा आर डैश बाई आर इज इक्वल टू जो हमारे एन में चेंज आ रहा है क्योंकि एन टाइम्स चेंज हो रहा है ना तो पावर आगे आ जाएगा डेल्टा एन बाय एन आर का यहाँ पे कोई गेम नहीं है यानी जो हमारे आर में कोई चेंज नहीं आ रहा ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ये वैसे का वैसा ही है ठीक है तो और अगर परसेंटेज चाहिए तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी द चेंज इन द रजिस्टेंस इन परसेंटेज परसेंटेज ऑफ आर डैश इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एन परसेंटेज समझ गई ये वाली बात बट अगर आपको ये रिकॉल या फिर अगर आपको ये चीज याद है क्लास इलेवेंथ वाली अगर आप ये समझ रहे हो या आपको ये दिमाग में है तो वहां पे जब हमने एरर के लिए यह जो एक्सप्रेशन निकाला था दैट रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं तो वहां पे हमने एक ऐसा पॉइंट था जहां पे चेंज इन एरर को नेग्लेक्ट कर दिया था तो वो दैट्स वाई ये उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आती है नियरली आती है तो आप इसे ऐसे याद करेंगे एन टाइम्स है तो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा और अगर परसेंटेज है तो टू एन टाइम्स हो जाएगा तो अब आपका क्वेश्चन आपके सामने है कितना परसेंट 0.5 परसेंट स्ट्रेच कर दिया गया है ओके सो व्हाट इज द परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा इफ वॉल्यूम रिमेन कॉन्सेंट देखो ये वर्ड आ गया वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया गया तो नियरली कितना परसेंट टू एन परसेंट तो अब हमारे पास एन था कितना 0.5 उसका 2% परसेंट वन परसेंट ये तो वर्बल क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पे समझाने में मैंने थोड़ा सा टाइम आपका ले लिया था बट जब आप इसे एग्जाम में करेंगे तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं ओके ओके डन चलिए नाव वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हेयर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट बहुत आसान है बेटा ये भी आसान इसलिए बोल रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन को क्योंकि ईच एंड एवरी वेराइटी जो भी है वो मैंने आपके साथ लेक्चर में डिस्कस किए तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं समझे हैं नोट्स प्रिपेयर किए सो इट वुड बी सॉरी इट वुड बी वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरी वन तो ध्यान से देखिए ही सेज इन अ गिवन सर्किट हमारे पास एक सर्किट है इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ड सेल इज नेग्लेजेबल यानी सेल का कोई इंटरनल रजिस्टेंस नहीं है बिल्कुल केवल ई ही है और कुछ नहीं दिया हुआ आर वन इज फोर हंड्रेड ये हमें फोर हंड्रेड दे दिया गया है आर थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड आर थ्री की वैल्यू हमें दे दी गई है हंड्रेड ओम आर फोर इज फाइव हंड्रेड आर फोर की वैल्यू हमें फाइव हंड्रेड ओम दे दी गई है ओके एंड द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर अक्रॉस आर फोर इज फाइव वोल्ट यानी अगर हम R4 के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगाते हैं और वो कैसे लगता है हमेशा पैरल में अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो वो फाइव वोल्ट रीड करता है तो हु रीड्स द दोल्ट वोल्ट वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्टेड है आर फोर के पैरल में यानी आर फोर की जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज फाइव वोल्ट इन डायरेक्ट वे में ये कहना चाहता है नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू तो टिपिकल नहीं है बस इसने थोड़ा सा सीधा सा बात है जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना हमें अपने कान पकड़ने हैं तो हम आगे से पकड़ते हैं भाई ये पकड़ लिया भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट में राइट वाला राइट में इसने बस आपका कान थोड़ा सा पीछे से ट्विस्ट करके घुमाने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा बस घुमाया गया है क्वेश्चन और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन पार्ट नहीं है तो चलिए अपने सर्किट को सॉल्व करना शुरू करते हैं सो आर फोर का डाटा क्या क्या है भाई आप सब ध्यान देंगे कि R4 का रेजिस्टेंस मालूम है और R4 का हमें क्या मालूम है वोल्टेज मालूम है तो अगर हमें उसका रजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों मालूम है तो आई थिंक हम लोग उसके किस पे काम कर सकते हैं करंट पे काम कर सकते हैं ठीक है ये 500 हंड्रेड ओम है बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ शायद वो उस पर स्लोगन पे नहीं दिख रहा होगा तो इट हैज़ बीन 500 हंड्रेड ओम तो चलिए अब तो आई थिंक दिख रहा है चलिए तो आप इसका करंट निकाल सकते हैं तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखते हैं सो so, करंट थ्रू आर फोर यानी आई फोर तो थोड़ा जल्दी कर देता हूँ आई इजिकल टू वी बाय आर तो ई एम एफ कितना है फाइव रजिस्टेंस है फाइव हंड्रेड वन बाय हंड्रेड एम्पियर ठीक है तो वन बाय हंड्रेड एम्पियर करंट है किसका है भाई वन बाय हंड्रेड एम्पियर करंट आई फोर का है यहाँ से ये रहा ये वन बाय हंड्रेड एमपियर अब सिंस R4 और R3 आप देख पा रहे हो कैसे कनेक्टेड है सीरीज में है तो R3 के पास भी 1 बाय हंड्रेड एमपियर करंट ही जाएगा और अगर इसका करंट मालूम है अगर हमें इसका करंट मिल गया है इसका रजिस्टेंस है तो आई थिंक हम इसका वोल्टेज भी निकाल सकते हैं सो so, इस बार हम वोल्टेज निकालने जाएंगे किसका आर थ्री का ओके वी इजिकल टू आई इन टू आर ध्यान से डायग्राम की तरफ और कैलकुलेशन दोनों ध्यान से रेजिस्टेंस भी 100 तो हमारी वोल्टेज है वन वोल्ट तो यानी आर थ्री के पास वन वोल्ट है आर फोर के पास फाइव वोल्ट है चलो अब सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यानी कनेक्शन को साथ के साथ वर्बली करते हैं तो आर थ्री और आर फोर कौन सा कनेक्शन है बेटा सीरीज और वैल्यू आप देख ही पा रहे हो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दिस इज़ माई आर वन फोर इसको टच ही नहीं किया है आर थ्री एंड आर फोर फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ वर्ड नहीं लिख रहा हूं मेन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना शॉर्टकट तो चलेगा दिस इज माई आर टू ओके एंड देन बैटरी जो हमारे पास यहां पे कनेक्टेड है ओके okay? अब इस सिक्स हंड्रेड ओम का जो वोल्टेज है वो देखिए तो आर फोर के पास कितना है फाइव वोल्ट है और आर थ्री के पास वन वोल्ट और दोनों मिलके सिक्स हंड्रेड बना रहे हैं तो सिक्स हंड्रेड के पास टोटल सिक्स वोल्ट यानी सीरीज में वोल्टेज एड हो जाती है करंट सेम रहता है डन है अब ये जो सिक्स वोल्ट है ये किसका सिक्स वोल्ट है दिस सिक्स वोल्ट इज पैरल विद द टू यानी आर टू के पास भी सिक्स वोल्ट जाएगा तो इसका मतलब अब हम हो गए पैरल ओके पैरल किसका भाई ध्यान से देखेंगे पैरल हो गया हमारा हमारा आर वन यानी फोर हंड्रेड एज इट इज है बट सिक्स हंड्रेड और आर टू का पैरल इसे मैं आर पी का नाम दे देता हूँ और आर पी यानी आर पैरेलल की वैल्यू क्या बनेगी बेटा 600 हंड्रेड आर टू डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड प्लस आर टू यानी वन बाई सिक्स हंड्रेड प्लस वन बाय आर टू और सॉल्व करने के बाद तो मैंने इसे आर पी का नाम दे दिया ताकि डायग्राम थोड़ा सा थोड़ा सा हॉज पॉज जैसा ना दिखाई दे तो आई थिंक हमने अपने डायग्राम को यहाँ तक सिंप्लीफाई किया अब ऐसे कर चुके हैं 18 वोल्ट ठीक है चलिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे इस आर पी के पास दिस आर पी जो है ये हमारा सिक्स हंड्रेड और आर टू का पैरल कॉम्बिनेशन था तो इसके पास सिक्स वोल्ट एज इट इज रहेगी तो क्या आप मुझे इस आर पी का करंट दे सकते हो तो मैं इसके करंट को आई पी का नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए बस डिस्टिंग्विश करने के लिए तो आई इजिकल टू वी बाय आर सिक्स बाय और इसका रजिस्टेंस है आर पी तो इस वैल्यू को सब अपने दिमाग में और संभाल के रखेंगे हमें आई यानी करंट थ्रू दिस आर मिल गया अब दिस आर जो हमारे सामने है ये फोर हंड्रेड के साथ कैसे कनेक्टेड है भाई ये भी ध्यान से देखो कैसे कनेक्टेड है सीरीज में और सीरीज में क्या सेम रहता है करंट सेम रहता है इसका मतलब सर जी इसे भी वही करंट दे दो कितना करंट दे दो आई करंट दे दो भाई ओके तो मैं आई ही लिख रहा हूं वैल्यू को बार बार नहीं लिख रहा हूं अब हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या बना द नेट रेजिस्टेंस इज आर एस सीरीज ऑफ फोर हंड्रेड एंड दैट आर पी और हमारी जो नेट वोल्टेज है वो हमारी एटीन वोल्टेज थी जो हमारे पास है और इस आर एस के पास करंट कितना जाएगा बेटा आई पी कितना करंट जाएगा आई पी इज द करंट जो इसके पास जाने वाला है क्योंकि यही फोर हंड्रेड और आर पी के सीरीज में था तो ये वाला फाइनल डायग्राम सबको याद है चलो अब इस फाइनल वाले डायग्राम को पिक करके हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं सो आई एम स्विचिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड बट हमारा फाइनल कॉन्क्लूजन ये था तो फाइनल कॉन्क्लूजन को आई एम सेलेक्टिंग एंड आई एम टेकिंग दिस टू द फाइनल वन तो इसे सेलेक्ट करके लेके चलते हैं आगे कि भाई ये हमारे लिए जरूरत वाला काम है सो हेयर वी आर टू द नेक्स्ट स्लाइड चलिए ये हमारा नेक्स्ट आया है आर एस चलिए तो यहाँ से हमारे पास नेट बोर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास है आर एस हमारे पास नेट करंट आई पी और नेट वोल्टेज है एटीन तो इन तीनों में अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो एटीन यानी वी इक्वल टू आई इन टू आर वही ओम स्लो लगा रहे हैं जो अब तक लगाते आए थे सो नेट ई एम एफ टू नेट करंट आई पी इन टू नेट रेजिस्टेंस कितना है हमारा आर एस अब आपको सारी वैल्यू ध्यान से रख देनी है पीछे से पिक करके तो आई होप आप अपने नोट्स को साथ के साथ लेके चल रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पास ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं मैंने कहा है जब भी आप लेक्चर देखें प्लीज़ अपनी नोटबुक को साथ में बिठा के रखें तो हमारा आईपी का वैल्यू क्या आया था बेटा अगर आप ध्यान से देखें और आप अपनी नोटबुक में देखें तो द वैल्यू ऑफ आई पी द करंट थ्रू द पैरल जो हमारे पास था दैट वॉज सिक्स डिवाइडेड बाय आर पी था आर एस हमारे पास कितना आया था 400 हंड्रेड प्लस आर पी ओके तो यहां से सॉल्व करना शुरू कर दें सो सिक्स थ्री 18 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्री आर पी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड प्लस आर पी ओके और यहां पे अगर सॉल्व करें तो आर पी यहां पर जाएगा तो टू आर पी टू आर पी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आर पी हमारे पास था वो हमारा 200। बट इस आर पी की भी अपनी एक रिस्पेक्टिव वैल्यू थी याद कीजिए बैक स्लाइड में दैट रिस्पेक्टिव वैल्यू वाज 600 हंड्रेड आर टू डिवाइडेड बाई आर टू प्लस सिक्स ओके तो आर पी कितना है हमारा 200। चलिए सॉल्व करते हैं टू डबल जीरो कैंसिल एंड टू वन एंड इट इज टू थ्री सो इट इज थ्री आर टू इज टू आर टू प्लस सिक्स हंड्रेड और आर टू यहाँ पे आएगा तो टू आर टू इज टू सिक्स हंड्रेड और आर टू इज टू थ्री हंड्रेड ओम सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस नंबर टू आर टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है थ्री हंड्रेड ओम ओके सो वॉट इज विच वन इज आर करेक्ट ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं द फिफ्थ वन इज बीन आर करेक्ट ऑप्शन ओके डन है ये वाला पार्ट सबको हो गया भाई चलिए सो सिंस वी आर डन सो ना वी आर प्रो सो वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं भाई क्या है हमारे पास सो वी हैव अ क्वेश्चन नंबर सिक्स समथिंग ही सेज़ टू इक्वल रजिस्टेंस वैन कनेक्टेड इन सीरीज अगर हम अपने दो रजिस्टेंस ले लेते हैं बट वैन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल हैं टू अ बैटरी दे कंज्यूम द पावर 600 हंड्रेड वोट चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अपना एक फॉर्मेशन बनाते हैं सो so, दो रजिस्टेंस ले लेते हैं आर एंड आर इन सीरीज एंड वेन दे आर इन सीरीज द नेट और इक्वी वैलेंट वुड बी टू आर जिसे हम लोग आर एस का नाम दे देते हैं लेट सपोज दिस आर एस ये जो हमारा दोनों का जो सीरीज कनेक्शन है दिस इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ ई एम एफ फोर वो V वोल्ट ले लेते हैं ठीक है ये हमारा R1 था ये हमारा R2 और इन दोनों का आर एस रिजल्ट आया ओके सो पावर कितना कंज्यूम किया 600 हंड्रेड सो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वे बाय नेट रेजिस्टेंस आर एस बट ये पावर तब कंज्यूम की जब दोनों सीरीज में थे तो इक्वेशन को ऐसे संभाल के रखते हैं धन है चलिए अब नेक्स्ट टाइम ही सेज इफ दीज रजिस्टर इज नाउ कनेक्टेड इन पैरल ओके विद सेम बैटरी तो इस बार बेटा बैटरी वही लेनी है सो आई एम टेकिंग अगेन विद वी वोल्ट बट दिस टाइम दे आर कनेक्टेड इन पैरल इस बार दोनों को पैरल कनेक्ट करवाने के लिए बात कर दी सर ने पर दोनों इक्वल ही थे तो हमारा आर पी कितना आएगा द आर पी वुड बी आर बाई टू ओके आप सॉल्व करके देख सकते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल वाली बात है तो अब हमारी पावर इन पैरल कितना वी स्क्वेर बाय आर पी एम आई क्लियर है तो ये हमारा सेकेंड है ओके okay, तो अब हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं सो so, अगर हम इन दोनों पावर का रेशियो निकालें तो मैं आपको एक एडिशनल काम करके दे रहा हूं जो आपको आगे कंपटीशन में हेल्प करेगा सो पावर इन पैरेलल डिवाइडेड बाय पावर इन सीरीज तो वोल्टेज स्क्वायर बाय आरपी डिवाइडेड बाय वोल्टेज स्क्वायर बाय आर एस देखो दोनों में वोल्टेज सेम है ओके okay? वो इसलिए सेम है क्योंकि दोनों ही केसेज में सेम बैटरी यूज की गई है नेट वोल्टेज सेम है बेटा कोई ये ना सोचे सर सीरीज में तो करंट सेम होता था आप वोल्टेज सेम क्यों ले रहे हो हम यहां पे मेन ई एम एफ यानी बैटरी की बात कर रहे हैं सो दिस वी स्क्वायर कैंसिल सो वॉट इज दैट कंक्लूजन इट वुड बी आर एस डिवाइडेड बाय आर पी ओके सो पावर इन पैरल इज इक्वल टू रजिस्टेंस इन सीरीज बाय रजिस्टेंस इन पैरल इन टू पावर इन सीरीज एक तो ये रिलेशन आ गया अब अगर इस रिलेशन में मैं आपको सामने ये एक पॉइंट रख देता हूँ हमारे पास यहाँ पर कितने रजिस्टर थे टू इक्वल थे लेट सपोज एन इक्वल होते एन नंबर ऑफ इक्वल तो आर एस की वैल्यू एन टाइम्स ऑफ आर हो जाती और आर पी की वैल्यू आर बाई एन आई एम टॉकिंग अबाउट एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल और इक्वल रजिस्टेंस ओके बिल्कुल तो अगर हम इसे यहाँ पे एक्सप्रेशन को यूज़ करें तो आई एम गोइंग टू यूज़ इट है अब वैल्यू ध्यान से एन आर डिवाइडेड बाई आर बाई एन इज इक्वल इट वु एन स्क्र पी एस तो क्या कॉन्क्लूजन आया तो यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं कॉन्क्लूजन ये आया दैट पावर इन पैरल इज इक्वल टू एन स्क्वेर टाइम्स ऑफ पावर इन सीरीज कनेक्शन बट कब जब आपके पास आपके रजिस्टेंस आइडेंटिकल हो पहली बात तो सारे रजिस्टेंस सेम होने चाहिए और बैटरी भी सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगा लो शॉर्टकट लगा लीजिए जो भी आप इसे कहना चाहिए जो भी आप इसे कॉल करना चाहो आप कुछ भी नाम दे सकते हो ये तभी काम करेगा हर बार के लिए काम नहीं करेगा इस बात को भी बता देता हूँ तो अगर हमारे रजिस्टेंस इक्वल है और हमारे पास कह सकते हो अगर हमारे पास बैटरी अगर सेम है तो पावर इन पैरल इज इक्वल टू हाउ मच एन स्क्वेर टाइम्स ऑफ द पावर इन सीरीज ओके तो अब इसे लगा दें हमारे पास कितने हैं टू हैं तो पावर इन पैरल इज इक्वल टू टू स्क्टर टाइम्स ऑफ पावर इन सीरीज विच इज सिक्सटी टू स्क्टी हाउ मच टू फोर्टीन हो गया तो ये तो आसान सा था तो ऑप्शन नंबर बी तो समझाया है मैंने बट आप इस कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू और हर चीज के लिए आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए ताकि आपका टाइम सेविंग हो जाए ताकि आप अपने आप को एक तरीके से सेफ जोन में रख ले लें समय क्लियर टू दैट सिक्स क्वेश्चन तो प्लीज उसे नोट करेंगे तो देख ही आपको डायग्राम में हिंट मिल ही गया होगा वीट ब्रिज के बारे में बात की गई है तो so, चलो देखते हैं आपको दिख रहा है resistance पी का है हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रहा ये हमारा रेजिस्टेंस पी है टॉप राइट कॉर्नर पे हमारे पास क्यू है आर हैज अ वैल्यू 400 ओम भाई ये इन्होंने बता दिया सो वेन आर इज इकल टू फोर हंड्रेड ये वाली लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा है बेटा तो इसे मैं कट कर देता हूं दिस लाइन इज बीन एक्स्ट्रा जो हो गया गलती से ठीक है सो so, क्वेश्चन को आप यहां से रीड करेंगे ठीक है सो ही सेट वेन आर इज इकल टू इसे मैं मिटाई देता हूं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाए ठीक है अब ओके है कहीं आप ये सोचो सर आपने तो इसे चलो अब ओके

चलिए अब आगे चलते हैं आगे स्टोरी में इसने इन्होंने क्या कहा है ऑन इंटरचेंजिंग पी एंड क्यू पी और क्यू को इंटरचेंज कर दीजिए यानी क्यू की जगह पी और पी की जगह पे क्यू को ले आते हैं ठीक है तो यहां पे आ गया है क्यू और यहां पे चला गया हमारे पास पी आ गया तो इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद द वैल्यू ऑफ आर इज 400 और आर की वैल्यू अब 400 के बजाय आप लोगों ने 405 यानी फोर हंड्रेड ले लेनी है नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स और बैलेंस है अभी भी ठीक है बैलेंस ही है फॉर बैलेंस तो अब अगली बार सेकेंड केस के लिए लगाते हैं तो इस बार पी की जगह पे आ गया है क्यू और क्यू की जगह पे आ गया है पास P, हमारे पास पी यानी हमारे एक्सप्रेशन दोनों चेंजेस हो गए ओके okay. सो so, दोनों चेंजेस हो गए हैं, बट हम अपने उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे सो क्यू बाई पी इज इक्वल टू इस बार आर नहीं है उसकी जगह पे आर डैश है मिच इज़ फोर ओ फाइव डिवाइडेड बाई एक्स यहाँ से एक्स क्या आएगा भाई आर डैश इंटू पी डिवाइडेड बाई क्यू ओके okay. तो दोनों कंडीशंस में पी क्यू की पोजीशन चेंज की गई आर की वैल्यू चेंज की गई पी और क्यू की पोजीशन चेंज है वैल्यू चेंज नहीं है तो दोनों केसेस में दोनों इक्वेशन में उनका सिंबल और वैल्यू सेम है बट आर का वैल्यू चेंज किया गया इसलिए मैंने उसका सिंबल भी हटा दिया है वहां से ओके okay. तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है ओके okay. यहाँ अभी ये बीच पर मल्टीप्लाई है चलो मैं इसे हटाई देता हूँ कहीं आप इसे एक्स ना समझें ओके okay? तो बट एक्स वही था एक्स की ना, ना तो पोजिशन बदली ना वैल्यू तो चलिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं सो बाय वन एंड टू चलिए आर की वैल्यू आपके पास है बेटा फोर हंड्रेड क्यू बाय पी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड फाइव पी बाय क्यू सो क्यू और पी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई देम सो वी विल गेट क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्र इज इक्वल टू फोर हंड्रेड फाइव डिवाइडेड फोर हंड्रेड तो दोनों स्क्वायर हैं तो चलिए स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो q बाय पी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड का तो स्क्वायर रूट ट्वेंटी हो गया फोर हंड्रेड फाइव जैसा कि आप देख पा रहे हो लगभग ट्वेंटी के पास ही है तो इसका एक्सप्रेशन या जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी ट्वेंटी पॉइंट वन टू और पॉइंट वन टू 20 बाई ट्वेंटी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इट वुड बी वन पॉइंट जीरो जीरो सिक्स सो यहां से हमें Q बाय P का वैल्यू मिल गया किसका मिल गया बेटा ध्यान से फ्रॉम हेयर वी गॉट द वैल्यू ऑफ Q डिवाइडेड बाय P का वैल्यू हमें मिल चुका है तो इसी वैल्यू को उठा के आप वन में रख दीजिए तो बाय वन एक्स इज इक्वल टू आर इन टू क्यू डिवाइडेड बाई पी तो Q बाई पी की वैल्यू है 1.006 और R की वैल्यू थी हमारे पास 400 तो 400 हंड्रेड इंटू और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू 402.5 जीरो टू पॉइंट सो अब हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है 402.5 हंड्रेड टू पॉइंट फाइव फोम विच इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स और अगर हम अपने क्वेश्चन या ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी इज़ बीन द करेक्ट फॉर्मेशन तो आसानी था तो वीट स्टोन ब्रिज के आसानी आते हैं बस केवल उसकी फॉर्मेशन में आपको ध्यान में रखना डन है।, है तो चलिए यहां पे भी एक और वीट स्टोन ब्रिज है तो इस वाले क्वेश्चन पे आपको वर्क करना है आपको प्रॉपरली काम करना है केवल स्टोरी लाइन पे जाएंगे क्योंकि ये वीट स्टोन की एप्लीकेशन ही है मीटर ब्रिज ही है तो वही बैलेंस कंडीशन पे ही हम लोग गेम खेलेंगे आपको इक्वेशंस बनाने हैं सॉल्व करने हैं बस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना ठीक है सो क्वेश्चन नंबर एट इज बीन योर होमवर्क ओके आई एम जस्ट ओनली टेलिंग द आंसर बिकॉज लास्ट टाइम को स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप आंसर स्टेट कर दीजिए जस्ट वी विल डू दैट बाय आर योर सेल्फ तो आपका जो आंसर है जो आप इसे सॉल्व करेंगे योर आंसर वुड बी द ऑप्शन ए विच इज 40 ओम तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस आई एम ओनली सजेस्टिंग दिस पॉइंट दैट रीड केयरफुली आप क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करेंगे यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी किया है रीड किया है तो ये आपको प्रॉब्लमैटिक वाला बात नहीं देगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा डन है ओके okay, तो ये आपका होमवर्क है बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन सीधा सा बात है फिर से बट इस बार ये हमारे पोटेंशियोमीटर मीटर से तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा सो so क्वेश्चन पे आ जाते हैं और केयरफुली ध्यान देंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट ही सेज़ अ सर्किट हैज़ अ फोर वायर पोटेंशियो मीटर ये आपको दिख रहा है फोर वायर पोटेंशियो मीटर ए से लेके बी विद फोर हंड्रेड सेंटीमीटर ओके तो आप जानते हैं कि जब भी मैंने आपको लेक्चर में कराया था तो हम लोग अपने डायाग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में ले आते हैं सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई ए बी वायर इन अ स्ट्रेट मैनर ये थोड़ा कर्व बना के कंफ्यूजन सा क्रिएट कर देता है तो मैं इसे सीधा सा ड्रॉ कर देता हूँ दैट ए बी हैज अंथ फोर हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो ये हमारी लेंथ ऑफ ए बी यहां पर लिख रहे हैं ए बी का लेंथ है फोर हंड्रेड सेंटीमीटर ओके विच एक्सटेंड फ्र बिटवीन ए एंड बी द रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियो मीटर वायर ये जो पोटेंशियो मीटर वायर है इसकी यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो 0.01 है यानी 0.01 ओम 1 सेंटीमीटर में लगाएगा और टोटल कितनी है 400 है तो भाई इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 400 हंड्रेड मल्टीप्लाई विथ जीरो पॉइंट जीरो वन सिंपल सा कैलकुलेशन है फोर ओम यानी इस बार हमें पोटेंशियो मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली नहीं गिवन है थोड़ा इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में दे दिया ओके okay, बाकी अपने डायग्राम को चेकआउट करते हैं यह हमारा मेन सप्लाई हो गया बेटा तो मेन सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू सेल 1.5 पॉइंट फाइव वोल्ट वन पॉइंट फाइव वोल्ट विद टू इंटरनल रजिस्टेंस जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव इंच ठीक है तो हमारा नेट ई एम एफ सिंह दोनों सेल सीरीज में है तो हमारा जो नेट ई एम एफ ऑफ द बैटरी है वो थ्री वोल्ट हो जाएगा पहली बात दूसरा नेट इंटरनल पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव वन ओम और ये जो इंटरनल है ये इस एक्सटर्नल सर्किट जो एक्सटर्नल सर्किट है यानी का मतलब जो पोटेंशियोमीटर के अलावा रेजिस्टेंस है वो वन ओम है यानी इस बार हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट है वो वन ओम ये है और एक्सनल का मतलब मैं कहना चाहता हूं द रेजिस्टेंस विच इज एक्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर वायर के अलावा जो रेजिस्टेंस है तो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव तो बेटा वो हमारे हो गए ओके और वन ओम हमारे पास ये रहा तो ये हमारे पास कितना हो गया टू ओम कितना टू ओम तो ये हमारे लिए एक्सटर्नल का, का काम करेगा टू ओम मतलब एक्सटर्नल मतलब जो पोटेंशियोमीटर के अलावा है ठीक है ना वी हैव अ वोल्ट मीटर एट ए पॉइंट तो ए पॉइंट पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो एक अनोन ईएमएफ को रीड करेगा अनोन है विद गैल्वेनोमीटर या फिर रीडिंग यही देने वाला है दिस इज माय जॉकी जे और जैसा कि आप क्वेश्चन को लास्ट में रीड करेंगे कि जे एट फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम एट एंड ओके? तो आइडियल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी यानी वोल्ट मीटर ई के अक्रॉस लगाया गया तो यानी कितना वोल्टेज है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा जो गैलवन है वो नल कंडीशन देगा ठीक है कितने पे 50 सेंटीमीटर पे तो ये हमारा मॉडिफाइड या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम है और अब हम इसी डायग्राम को लेके अपने आगे वाले हिस्से पे काम करते हैं तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और आई एम पिकिंग दिस डायग्राम बिकॉज इट नीड सम कैलकुलेशन ये गिवन पार्ट भी मैं पिक कर रहा हूं कुछ कैलकुलेशन हमें यहां चाहिए तो स्पेस के लिए वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन चल ठीक है ये हमारा सारा गिवन पार्ट है तो इसलिए यहां पे मैंने मेन डायग्राम भी रखा है ताकि आप साइड बाय साइड रिजेंबल कर सको सो यू ऑल नो दैट यहां पे जो हम लोगों का जो स्टडी करने का तरीका है जो हमने लेक्चर्स में समझा था यानी एक न्यूमेरिकल को अप्रोच थी सो दिस सर्किट इज योर प्राइमरी सर्किट ओके तो प्राइमरी सर्किट की तरफ ध्यान देंगे थ्री वोल्ट बैटरी विद टू ओम एक्सनल विद फोर ओम ए बी वायर का रेजिस्टेंस है ठीक है तो चलिए सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसके लिए हमें पहले इस सर्किट का करंट चाहिए होगा क्या चाहिए करंट तो करंट के लिए आई इज इक्वल टू वी बाय नेट रेजिस्टेंस। और इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्लियरली दिख पा रहा है ये टू ओम हमारे ए बी वायर के पोटे रजिस्टेंस के साथ सीरीज में है सो नेट वोल्टेज इज थ्री एंड फोर प्लस टू सिक्स हाउ मच वन बाई टू एम्पियर करंट तो हमारे पास करंट कितना है वन बाई टू एमपियर अब यही करंट हमारे ए बी वायर से जाएगा तो ए बी वायर की वोल्टेज क्या होगी भाई वी ए बी इजिकल टू आई इंटू आर ए बी आई इज़ वन बाई टू और आर ए बी इज फोर तो ए बी वायर की वोल्टेज टू वोल्ट मिल गया टू वोल्ट अब निकाल लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी ये मेरे या हमारे उसी क्लेक्चर के जैसा ही न्यूमेरिकल है बस केवल फॉर्मेट में बदल गए सेल वगैरह दे दिए बस एक पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया थोड़ा सा इनडायरेक्ट तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज अक्रॉस ए बी वायर वोल्टेज अक्रॉस होल पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी वायर तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी जा रही है टू वोल्ट और ए वायर की लेंथ 400 सेंटीमीटर याद कीजिए तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया वन बाई टू हंड्रेड वोल्ट पर सेंटीमीटर अब हम लोग अपने अननोन ईएमएफ के साथ काम कर सकते हैं अननोन ईएमएफ नीएमएफ इजिकल टू के इन बैलेंसिंग लेंथ ये तो आप जानते ही हैं बिल्कुल तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वन बाई टू हंड्रेड बैलेंसिंग लेंथ हमें 50 सेंटीमीटर दी हुई थी जॉकी की ये लिखी हुई है ये हमारा मेन डायग्राम है ओके okay? तो सॉल्व करते हैं सो इट वुड बी फाइव फोर तो व्हाट इज द अननोन ई एम एफ वन फोर वोल्ट और इन दिस इट इजो पॉइंट टू फाइव वोल्ट सो हमारा जो अनोन ई एम एफ है वो कितना आया जीरो अनस द ई एम एफ इन द सेकेंडरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में ही हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है तो इसका मतलब वो वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा जितना अनोन ई एम एफ होगा और हमारा अननोन ई एम एफ कितना आया था जीरो पॉइंट टू फाइव तो वॉट इज आर करेक्ट ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट टू फाइव क्लियर है तो आई होप पोटेंशियो मीटर के न्यूमेरिकल भी आपके लिए आसानी होंगे जिस भी स्टूडेंट को अभी भी पोटेंशियो मीटर के न्यूमेरिकल में डाउट है प्लीज अभी जाके बैक साइड पे जाके यानी प्रीवियस लेक्चर्स को सी आउट कीजिए वहाँ पे प्लीज़ मैंने एक लास्ट लेक्चर इन इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट में एक लास्ट लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 18 जो कि कंप्लीटली न्यूमैरिकल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर है जिसमें मैंने केवल न्यूमेरिकल्स ही करवाए हैं तो वो आप एक बार थरली जाके ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को डिटेल्ड वर्जन में ये समझ में आए क्लियर है सो आई होप क्वेश्चन नंबर नाइन आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर टेन ये केवल वर्बल बेस है क्योंकि कई बार जेई मेन्स में भी वर्बल बेस यानी डायरेक्ट ही आ जाते हैं बट कॉन्सेप्चुअल है ही सेज अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर डेराइव अ करंट एक्सटर्नल तो आपके पास एक सेल है विद ई इंटरनल स्मॉल आर कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल कैपिटल आर एंड इट डेराइव अ करंट कैपिटल आई थ्रू द सर्किट नाउ ही सेज द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल विल बी मैक्सिमम यानी रजिस्टर में पावर मैक्सिमम कब होगा सो पावर मैक्सिमम तभी जाएगी उसमें जब एक्शनल में करंट मैक्सिमम यानी आपको फिर से ए, वही वाली बात है मैंने कहा ना हम लोगों ने अगर या आप लोगों ने लेक्चर को थरली देखा है तो ईच एंड एवरी लेक्चर में डिटेल नोट्स ऐसे बना दिए गए हैं कि आपको किसी भी मेन के न्यूमेरिकल में एडिशनल में तो घुसना ही नहीं पड़ रहा थोड़ा बहुत है डेफिनेटली है आई लेवल है तो थोड़ा सा है बट आपके एटी टू नाइनटी परसेंट आपके बिल्कुल डन ही हो जाते हैं उसी नोट से तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है बेटा द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इज नेट एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमारी मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड और मैक्सिमम करंट की कंडीशन है तो हमारे पास एक्सटर्नल केवल आ ही है और हमारे पास इंटरनल में केवल एक ही है तो वो हमने मिक्स ग्रुपिंग में निकाला था यहां पे तो केवल एक ही है तो हमारे पास कंडीशन कंडीशन नंबर कौन सा बी वाला बन गया ओके okay? डन है यहां तक हो गया बेटा ओके नाउ टेन क्वेश्चन हैं एंड बिफोर लिविंग टू दिस एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जेन्युअनली जो इन सारे क्वेश्चन में से सबसे फेवरेट सो so, मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो अब मैंने अब बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है फेवरेट इसलिए क्योंकि ये आपके दिमाग की बिल्कुल ढंग से एक्सरसाइज करवाने वाला है तो चलिए अपने दिमाग की एक्सरसाइज के लिए शुरू हो जाओ दिमाग को ओपन कर लीजिए इस लास्ट में तो प्लीज़ एवरी वन दिस इज योर सेम तो जेई मेन नाइनटीन का ही है बट आपके बिल्कुल एक्सरसाइज करवाने के लायक है ये क्वेश्चन सो क्वेश्चन सेज आपके सामने है क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन सेज दैट वन के जी ऑफ वाटर कितना मास इज बीन वन के जी ऑफ वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास वाटर है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे इज़ हीटेड इन एन इलेक्ट्रिकल कैटल यानि पानी को हीट किया जा रहा है बट इलेक्ट्रिकल कैटल में यानि वी आर परस्यूइंग द हीट एनर्जी हमें हीट एनर्जी चाहिए वॉटर को हीट करने के लिए बट फ्राम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी बनाने वाले हैं उस कैटल डिवाइस से और वो हमें काम करवा के देगा आगे जाके तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आप आई थिंक समझ भी पाए होंगे तो हीट एनर्जी वाटर ट्वेंटी डिग्री इलेवेंथ क्लास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दिमाग में घूम गया होगा वही सबके और बात सर आप इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हो है ना अब एक्सरसाइज शुरू होगी यानी आपका एक पैर तो वही इलेवेंथ में रहेगा और एक पैर ट्वेल्थ में रहेगा अब यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं विद अ मीन टेम्परेचर जो कैटल की इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं यहाँ पे तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल कैटल है ठीक है तो इलेक्ट्रिकल कैटल की इंफॉर्मेशन कुछ है हमारे पास लाइक इट्स रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड इट इज कनेक्टेड टू आरएमएस वोल्टेज आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर बट ये वोल्टेज क्या होती है ये हम लोग इन फ्यूचर जाके एसी चैप्टर जब पढ़ेंगे अल्टरनेट करंट वहां पे इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी के लिए आपके लिए कोई कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं है तो नॉर्मल वोल्टेज की तरह ही लेके चलिए इसे 200 वोल्ट तो ये हमें कैटल की इंफॉर्मेशन है इग्नोरिंग द हीट लॉस फ्रॉम द कैटल तो ये इग्नोर uh, कर दीजिए कि कैटल में जब पानी गर्म किया जा रहा है तो कैटल में कुछ लॉस हुआ है तो जितना भी हीट इलेक्ट्रिकल से बना होगा सारा वॉटर में हीट करने में गया होगा सो नाव ही इज आस्किंग द टाइम टेकन फॉर वॉटर टू इवेपोरेटफुली पानी को पूरा इवेपोरेट होने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है पूरा इवेपोरेट करना है इवेपोरेट का मतलब ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से आपको उसे वेपर में बनाना है अब ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मतलब आप वाटर स्टेट में हो और आपको वेपर में जाना है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो क्या करना पड़ेगा पहले ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वाटर से पहले हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर में जाना पड़ेगा तो यहां पे हमें चाहिए होगी कौन सी हीट स्पेसिफिक हीट तो ये स्पेसिफिक हीट निकाल ले पहले यहीं पे। तो पहले तो यही कर लेते हैं भाई कितना हीट चाहिए हमें यहाँ पे तो स्पेसिफिक हीट इसे क्यू वन का नाम दे देते हैं याद है फॉर्मूला एस एम डेल्टा टी तो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें गिवन है नहीं भी गिवन होती तो हम लोगों ने याद की थी फोर टू डबल ज़ीरो मास इज़ वन के जी एंड चेंज इन टेम्परेचर इज हाउ मच एट्टी कैलविन में कन्वर्ट नहीं करेंगे मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि चेंज इन टेम्परेचर है तो चाहे वो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में हो चाहे कैलविन में हो न्यूमेरिकली तो वो सेम रहेगा और अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो पर डिग्री सेल्सियस है तो भी आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इट गिव्स अस थ्री सिक्स सॉरी थ्री थ्री सिक्स ट्रिपल ज़ीरो ये वो हीट है जो 20 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए अब हमें करना है 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वेपर में यानी अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेट चेंज जिसे आप लोग क्या बुलाते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ठीक है तो हमारे लिए यहां पे हीट का फॉर्मूला एम इन टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सो so, मास हमारा वन के है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको गिवन है टू टू सिक्स जीरो ध्यान से देखेंगे इट इज किलो जूल किलो मीन्स टेन की पावर थ्री जूल पर के तो ये हीट हमारे पास आ गई टू टू सिक्स फोर जीरो सो ये वो हीट है जो कन्वर्ट करने में सॉरी ये वो हीट है जो आपको उसे वाटर के हंड्रेड डिग्री तक जाने यानी बॉयल करने में चाहिए ये उसकी स्टेट चेंज करने में तो आई थिंक ये हमारी टोटल हीट रिक्वायर्ड है और ये हीट हमें मिलेगी इलेक्ट्रिकल से और बाकी हम लॉस मानी नहीं रहे तो अगर हम बाकी लॉस मान ही नहीं रहे तो कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट लगा देते हैं भाई यानी जितनी इलेक्ट्रिकल हीट है कितनी हीट है इलेक्ट्रिकल हीट जो है वही हमारा वाटर को जाएगा यानी ये हमारी हीट एनर्जी में बनेगी टोटल हीट एनर्जी मतलब दोनों आपको वाटर को हीट भी करना है प्लस में उसे कन्वर्ट भी करना है तो इलेक्ट्रिकल हीट वोल्टेज है रेजिस्टेंस है तो इट वुड बी वी स्क्वेयर बाय आर इन टू टी इज इक्वल टू हीट एनर्जी कितनी चाहिए थ्री थ्री सिक्स ट्रिपल जीरो प्लस टू टू सिक्स फोर जीरो थोड़ा सा वैल्यूज को ध्यान से तो वी नीड टाइम तो बस सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे सो लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम सो इट वुड बी थ्री जीरो आपके पास एट एज इट इज सिक्स सिक्स थ्री नाइन थ्री टू फाइव एंड इट वुड बी टू यानी टू फाइव नाइन सिक्स ये इन दोनों का सम है डिवाइड में वी स्क्वेयर वोल्टेज यानी टू हंड्रेड का स्क्वा और रेजिस्टेंस हमारा ऊपर चला जाएगा जो ट्वेंटी है अब आसान से तो फोर जीरो इन द न्यूमिनेटर फोर जीरो इन द डिनोमिनेटर वन टू कैंसिल विद द टू एंड वैन वी सब्ट्रैक टू फाइव नाइन सिक्स विद द टू अगर हम इसे सब ट्रैक करते हैं तो हमारे पास आता है वन टू नाइन एट सेकेंड तो कितना टाइम लगेगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी एट सेकेंड बट जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे ऑप्शन मिनट्स में हैं तो कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड बाई सिक्सटी एंड वैन वी सॉल्व दैट वी विल गेट नियर अबाउट वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं मिल रही है बट जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 21.63 21.63 मिनट मिनट कितना मिलेगा minute, जो कि पॉइंट 22 मिनट्स के बराबर होगा जो हमारे पास यहां पे है सो so, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सो so, वैसे तो डिफिकल्ट तो नहीं था बट आई थिंक एक्सरसाइज करवा दी इसने आपकी है ना सो एवरी वन आई होप आज के न्यूमेरिकल्स आपके लिए वर्दी होंगे आपको हेल्प किया होगा और लास्ट वाले क्वेश्चन ने आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल करवा दी होगी सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे आज के लेक्चर में केवल इतना ही आज की वीडियो में केवल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे विद द पार्ट टू ऑफ द न्यूमारिकल्स जिसमें मैं 2019, 20 और इस साल यानी 2021 में जो फैब और मार्च में जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी के टू और थ्री जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आप लोगों के साथ लेके के आऊँगा इन द सून पार्ट टू ऑफ द आई आई सो टिल देन टेक केयर तो अपना ध्यान रखिए अपने प्लीज पॉइंट्स का तो so, जो भी अगर किसी का कोई डाउट है कोई क्वेरी है सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टे सपोर्टिव सपोर्ट करते रहिए प्लीज़ शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब एंड ऑल दैट वो तो आप समझ ही गए होंगे सो टिल देन स्टे सेफ स्टे होम